बरेली पहुंचे एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी जातिवादी की बात करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इंटरेक्चुअल प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन करती है। पाठक ने कहा कि क्षेत्रीय दल बड़ी राजनीति पार्टियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुनाव के समय देखा जाएगा कि किसके साथ गठबंधन करना है और किसके साथ नहीं। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन के लिए पन्ना प्रमुख की व्यवस्था की है और जिसमें बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा, जिससे वो बूथ जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। सभी विधानसभाओं में ये प्रभु सम्मेलन चल रहे हैं, उस पर आगे थोड़े सभी विधानसभाओं के विस्तार से विस्तार योजना को लेकर के भी एक वर्ग है, उस वर्ग में मेरा सवाल यह है कि प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर बहुजन समाज पार्टी भी लगातार सम्मेलन कर रही है, इसमें ब्राह्मणों की सामने कोशिश की जा रही है, आपके ब्राह्मण समुदाय से आती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का भी इस तरह का कुछ ध्यान है प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से एक बार विशेष बता दें? आपका दोनों प्रबुद्ध सम्मेलनों में जाना होगा, आप एनालाइज कर, आपने खुद कहा कि वो ब्राह्मणों के नाम पर काम कर रहे हैं, हम तो प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रबुद्ध की बात करते हैं और स्वाभाविक रूप से हम समाज के सभी वर्गों के लिए हमने काम किया था, उस पर बात करते हैं। जो लोग भी जाति और मजहब की राजनीति करते हैं मुझको लगता है कोई सफलता नहीं मिलेगी, पहले भी जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश में नकारा है, बात करेंगे क्षेत्रीय दलों की, तो अभी ये चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ था कि ओपी राजभर और संदीप मिश्रा लगातार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी राजनीतिक पार्टी को, तो इसका क्या कहना है? हर दल अपनी रणनीति बनाता है चुनाव की, उनकी अपनी रणनीति है, उनकी अपनी शैली है, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, जनता के साथ संवाद कर रही है, हम अपना जमाधार बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय, वो बड़ा चैलेंज भी सामने आया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर देखा जा रहा है कि बड़ा प्रभाव पड़ा है इससे, तो किस तरह से डैमेज कंट्रोल कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो हमने काम किया किसान के लिए हमारा काम है बताना, सकारात्मक विषय को बार बार कहने के बाद याद कराना पड़ता है और नकारात्मक तो विषय बनते हैं, जिन लोगों का काम है ये वातावरण को बना रहे हैं, हमारा काम है परिवार बताना, अगर हमने मई जून तक चीनी मिलें चलाई है तो हम कहेंगे, अगर हमने लोगों का पेमेंट किया है तो हम इस बात को भी कहेंगे, अगर हमने सर्वाधिक गेहूँ खरीद किया है, सर्वाधिक धान खरीद किया है, उसको जनता के बीच में हमको बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए संशोधन करना चाहती है कानून में। अच्छा, विपक्ष का जो जिन मुद्दों को कह रहा है उसके तर्क दे, हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष का जो नेता चाहता है वो बहस कर लेंगे इस मुद्दे को, चाहे बहस कर ले, हमारे पास उत्तर है, हमने काम किया है और काम करने में है हमारी जवाबदेही है, कोरोना काल घर में है, कहाँ था विपक्ष? करोना का जो संकट उत्पन्न हुआ, बड़ी अव्यवस्था भी देखने को मिली थी कोरोना नहीं, लेकिन उसी में व्यवस्था बनी हुई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सरकार भी पूरे देश में ये स्थिति रही, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अगर हमने करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी राजनीतिक पार्टी को, तो इसका क्या कहना है? हर दल अपनी रणनीति बनाता है चुनाव की, उनकी अपनी रणनीति है, उनकी अपनी शैली है, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, जनता के साथ संवाद कर रही है, हम अपना जमाधार बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय, वो बड़ा चैलेंज भी सामने आया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर देखा जा रहा है कि बड़ा प्रभाव पड़ा है इससे, तो किस तरह से डैमेज कंट्रोल कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो हमने काम किया किसान के लिए हमारा काम है बताना, सकारात्मक विषय को बार बार कहने के बाद याद कराना पड़ता है और नकारात्मक तो विषय बनते हैं, जिन लोगों का काम है ये वातावरण को बना रहे हैं, हमारा काम है परिवार बताना, अगर हमने मई जून तक चीनी मिलें चलाई है तो हम कहेंगे, अगर हमने लोगों का पेमेंट किया है तो हम इस बात को भी कहेंगे, अगर हमने सर्वाधिक गेहूँ खरीद किया है, सर्वाधिक धान खरीद किया है, उसको जनता के बीच में हमको बताने में कोई हर्ज नहीं है, हम जनता के बीच जाएंगे बताएंगे। ये विजय बहादुर पाठक जी का कहना है कि वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं और किसान आंदोलन को भी डैमेज कंट्रोल करने वाले पाठक के साथ आशीष गुप्ता।